नमस्कार। आज की रेसिपी है मटर पनीर। इस लॉकडाउन में हम घर से बाहर जा नहीं सकते हैं, ना रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा सकते हैं, पर घर पर बैठे रेस्टोरेंट जैसे मटर पनीर की सब्जी घर में बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं मटर पनीर की तैयारी। ये है रेड ग्रेवी। पहले हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। दो टमाटर, दो प्याज हम पतले पतले काट कर रख लेते हैं। यहाँ 9 से 10 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक की टुकड़ा हम काट कर रख लेते हैं। अब कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम करते हैं। यहाँ आंच जो है हम धीमी कर लेते हैं, धीमी आंच पे बनाएंगे। 8 दाने काली मिर्ची की, छोटे से टुकड़े दालचीनी और 1 लौंग ये हम डाले हैं। साबुत धनिया आधी छोटी चम्मच है, ये भी हम डाल देते हैं। छोटी सी टुकड़ा जायफल की, देखिए इससे ज़्यादा नहीं लेना है, इतनी सी जायफल हम डाल रहे हैं। अब आधी चम्मच जीरा और थोड़ी सी ये काली जीरा हम डाल देते हैं। अब ये जीरा, काली जीरा को इसमें भी डाल देते हैं। 5 ये पीस है काजू, वो भी डाल देते हैं। अब कटा हुआ अदरक और जो लहसुन की कलियां हैं वो डाल देते हैं और धीमी आंच पे हम 1 मिनट तक उसे हम फ्राई कर लेते हैं। अब जो 2 प्याज काट कर रखे हैं इसे डाल देते हैं और इसे भी हम चला लेते हैं धीमी आंच पे। इस प्याज को जल्दी मुलायम बनाने के लिए हम थोड़ी सी नमक डाल रहे हैं यहाँ। अब प्याज को नमक के साथ अच्छे से मिला लेते हैं और ढककर धीमी आंच में 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं पकने को। अब 2 मिनट के बाद हमारा ये प्याज जो है अच्छे से मुलायम हो गया है। अब इसे हम दोबारा चला लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारा प्याज हो गया है। अब ये टमाटर हम डाल देते हैं। और अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसे ढककर हम और 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं पकने को। अभी हमारा ये टमाटर 2 मिनट हो गया है और मसाले के साथ अच्छे से पक गया है। इस टमाटर, प्याज और मसाला को हम मिक्सी की जार में निकाल लेते हैं और निकाल कर इस मसाला को ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। अब 2 कप पानी एक कढ़ाई में लेते हैं, थोड़ी सी नमक और आधी चम्मच से भी कम हल्दी की पाउडर हम इसमें डालते हैं और गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं। 200 ग्राम यहाँ हमने अमूल की पनीर लिए हैं। अब इसको हम पतले पतले काट लेते हैं, छोटे छोटे। कुछ टुकड़ा हम निकाल कर यहाँ रखते हैं, बाद में यूज करेंगे सब्जी में, पर इसको हमने अभी काट लिए हैं। अब ये कटे पनीर को जो गर्म पानी है उबल गया है उसमें डाल देते हैं 2 मिनट। बस 2 मिनट में हमारा ये पनीर जो है बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप कढ़ाई में नहीं करते हैं तो नमक, हल्दी और पानी डालकर माइक्रोवेव में बस 2 मिनट में पका लीजिए, खूब स्वादिष्ट बनेगा। ये पनीर जो है हमने रखे हैं बाद में सब्जी में डालेंगे। अब ये 2 मिनट हो गया है, पानी से पनीर को निकाल कर हम रख लेते हैं और ये जो हल्दी और नमक वाली पानी है इसे हम एक बर्तन में निकाल कर रखते हैं, बाद में ग्रेवी में डालेंगे। अब ये मसाला भी हमारा ठंडा हो गया है, इसको हम अब
पीस लेते हैं। एक कढ़ाई में एक चम्मच घी डालते हैं और एक चम्मच तेल डालते हैं। अब इसको हम गर्म करते हैं। यहाँ इसको ज़्यादा तेज नहीं गर्म करेंगे। अब दो लौंग, एक छोटी सी हरी इलायची और एक तेज पत्ता, इसे हम चटका देते हैं। आधी चम्मच से भी कम है जीरा यहाँ चटका रहे। अब जीरा चटक गया है, दो हरी मिर्च जीरा लगाए अब इसमें डाल देते हैं। अब इसको भी थोड़ा हम फ्राई कर लेते हैं इस तेल में, पर एक हरी मिर्च हम निकाल कर रखते हैं, बाद में सब्जी में डालेंगे। अब यहाँ हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी थोड़ा देख के डालना, थोड़ा सा ही डालना, क्योंकि पहले से ये जो पनीर में हल्दी है, और स्वाद अनुसार आप मिर्ची की पाउडर डालना, क्योंकि काली मिर्ची डाला हुआ है डालना। अब पीसा हुआ जो हम मसाला रखे हैं अब इसमें डाल देते हैं। डालकर इसको धीमी आंच पे पकाते हैं। कम से कम 10 मिनट हम पकाएंगे धीमी आंच पे और लगातार चलाते हुए। इसको जलाना नहीं है, ना तेज आंच पे पकाना है, बिल्कुल मध्यम कभी आंच करना है, कभी धीमी करना है, और हमारे इस मसाले को अच्छे से भून लेना है। रेड ग्रेवी हमारा तैयार हो गया है। अब मसाला जब भून गया है, जो पनीर से पानी निकाल कर रखे थे उस पानी को हम डाल देते। कम से कम 2 कप पानी की आवश्यकता है। अब यहाँ हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा देखकर डालना, क्योंकि प्याज में भी थोड़ी सी नमक डाला हुआ था, और जब पनीर को हम उबाले थे तब भी थोड़ा सा नमक हम डाले थे। अब ये जो पनीर हमने बच्चा के रखे थे इसको मसल कर डाल देते हैं, इससे सब्जी का स्वाद और बढ़ जाएगा। हरी मटर, चाहे फ्रेश हो चाहे फ्रोजन हो, आप 1 कप इसमें हरी मटर डाल देते हैं। अब सभी को अच्छे से मिला लेते हैं। ढककर इसे मध्यम आंच पे 5 मिनट के लिए पकने को छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद हमारा ग्रेवी कितने अच्छे से गाढ़ा हो गया है। यहाँ जो हमने पहले से हल्दी और नमक पानी में गरम करके रखे थे पनीर, वो डाल देते हैं। अब इसे डालकर हम अच्छे से मिला लेते हैं। पनीर हमारा काफ़ी मुलायम और स्वादिष्ट भी बनता है, ऐसे अगर हम बनाते हैं सब्जी। अब इसे हम ढक लेते हैं दोबारा और 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं धीमी आंच पे। देखिए धीमे धीमे हमारी सब्जी कितनी अच्छे से बनके तैयार हो गया है। फ्रेश कटे हरे धनिया 2 चम्मच यहाँ हम डाल देते हैं। जो छोटी सी टुकड़ा हमने पनीर बचा के रखे थे इसे हम अब कद्दूकस करके डाल देते हैं। इस पनीर को हमें इसमें डाल दिए और थोड़ा सा बचा के रखते हैं, बाद में डालेंगे। अब इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं और धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए पकने को छोड़ देते हैं। ऐसे छोटे छोटे टिप्स अगर हम इसमें यूज करेंगे तो हमारे मटर पनीर की सब्जी जो है काफ़ी स्वादिष्ट बन जाता है। तेज पत्ता के स्वाद सब्जी में आ गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब ये हो गया है सब्जी हमारी, और गैस बंद कर देते हैं। अब निकाल कर देखते हैं कैसे सब्जी बना है। अगर आपको इतना ही ग्रेवी चाहिए तो पानी की मात्रा इतना ही रखिए जितना हमने डाले हैं। आप यहाँ 1 चम्मच फ्रेश क्रीम अमूल का आप डाल सकते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन पर लिख कर बताना। ऐसे स्वादिष्ट रेसिपी हम आपके पास लेकर आएंगे ढेरों टिप्स के साथ। जरूर आप इस टिप्स को फॉलो करना, खूब स्वादिष्ट रेसिपी आपकी बनके तैयार हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन आएगा उसे दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। फिर एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ मैं आऊँगी। धन्यवाद।